खबर आपको बता दें, आर्मेनिया ने अजरबैजान पर बरसाए हैं बम। अजरबैजान पर M30 होविट्जर तोप से हमला बोला गया है। अटैक में अजरबैजान के कई बंकर तबाह करने का दावा किया गया है। अजरबैजान को खासा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। युद्ध का लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं ये अहम खबर, जिसमें होविट्जर तोपों के जरिए, और आप जानते हैं इन होविट्जर तोपों की खासियत यह है कि ये शूट और स्कूट करती हैं। एक जगह से गोला बरसाने के बाद ये तुरंत ही अपनी लोकेशन बदल लेती हैं। लिहाजा किस तरफ से गोला आया और अब तोप किधर चली गई ये पता नहीं चलता है, और उन तोपों के जरिए बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। और इसीलिए राजन कोचर साहब कह रहे थे कि जो आर्मेनियाई आर्मी है वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, उसमें इस टेरेन में लड़ने का खासा अनुभव है, इसलिए सैन्य ताकत के हिसाब से, इक्विपमेंट के लिहाज से अजरबैजान का पड़ला भारी होने के बावजूद आर्मेनिया इस समय अजरबैजान पर भारी पड़ रहा है। राजन कोचर साहब, मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये रोमेनियन आर्मी के भी जो ट्रूप्स हैं वो इनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, आर्मेनिया के साथ, और इनकी रेगुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, इसीलिए इनकी फौज की जो ट्रेनिंग है। और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि रिजर्विस्ट फौज भी है इनके पास 2.1 लाख की, जिसको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है टाइम से टाइम पर, और वो रिजर्विस्ट फौज भी आज इनकी फौज में शामिल हो गई है। रिजर्व फोर्सेस भी रेगुलर फोर्सेस में शामिल हो गई। हमने ये भी देखा था राजन कोचर साहब, जब हम आर्मेनिया के हिसाब से देखते हैं, आर्मेनिया के बुजुर्गों के हाथ में, आर्मेनिया के एक पादरी के हाथ में हमने बंदूक देखी है, वहां पर तो ऐसा लगता है जैसे घर घर में लोग सैनिक बन चुके हैं। क्या आर्मेनिया का, आर्मेनिया के संदर्भ में यही परसेप्शन बनाया जाना चाहिए? कैरन, क्या यही वहां की वस्तु स्थिति है? आर्मेनिया के हर घर में सैनिक बन चुके नहीं है, हमेशा से रहा है ऐतिहासिक। यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी भी है निजी, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे नेबर्स कैसे कैसे देश है, तो हमको तैयार रहना हमेशा जरूरी है। तो इसलिए हर व्यक्ति आर्मेनियन आर्मी में दो साल की ट्रेनिंग तो वैसे ही करती है, और जो कर चुका है एक्स आर्मी सर्विसमैन है वो अभी वॉलंटियर बन के रिजर्व फोर्स और वॉलंटियर भी बन के डायस्पोरा से काफ़ी लोग आ चुके हैं उसको लड़ने के लिए जो तैयार है। पाकिस्तान अजरबैजान की तरह नहीं है जो देश का एयरपोर्ट बंद किया है ताकि देश से लोग ना भागे, क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग के साथ कोई खड़ा नहीं है। अब जैसे रशिया की हमारे मिलिट्री अलाई है, लेकिन रशिया OSCE मींस ग्रुप का कोचेयर भी है, और उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस OSCE मींस ग्रुप का मिलता है। दूसरी तरफ अजरबैजान है, इसलिए वहां मिलिटरली हर किसी को तैयार रहना पड़ेगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के? क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आपबीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।